जिले के सभी विद्युत वितरण कार्यालय में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आउटसोर्स के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, जिसके चलते राजस्व वसूली मेंटेनेंस मीटर रीडिंग के साथ समय पर उपभोक्ताओं को समस्या का हल नहीं हो सका है। सिलीमनाबाद के सहायक अभियंता कार्यालय के सामने बैठे कर्मचारियों ने बताया है कि आउटसोर्स कंपनी लगातार कर्मचारियों का शोषण कर रही है। बिजली कंपनियों में पूर्व से कार्य कर रहे कर्मचारियों की अवधि 45 से 60 बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाए। बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन का जिलाध्यक्ष और हमारे विभाग बिजली विभाग में सभी कर्मचारी प्राइवेट एजेंसियों के शोषण का शिकार हो रहे हैं। वह 15 से 20 वर्षों से शासन से मांग कर रहे हैं कि हमें नियमित किया जाए ताकि हमारा शोषण खत्म किया जा सके। वह लाइन में कार्य करते समय या कार्य के दौरान अनगिनत साथियों की जाने जाती हैं, ना विभाग के द्वारा कोई सहायता दी जाती है, ना हमें इन प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा शोषण किया जाता है। और हमारी मुख्यतः मांगें जो चल रही हैं, बिजली विभाग से ठेका प्रथा बंद करके हमें विभाग में हमारी इसी वेतन पे हमारा विभाग में संविलियन किया जाए व समान कार्य समान वेतन दिलाया जाए और 45 वर्ष से अधिक के बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाग में संविलियन करके उन्हें 60 वर्ष तक की समय सीमा बढ़ाई जाए कार्य के दौरान, वह हमें हमारी समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण मुक्त किया जाए। और इस तानाशाही सरकार से यही निवेदन है कि हमारे सभी समस्त बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करके अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? हमारी मांगें पूरी नहीं होती। हमने 27 सितंबर 2021 से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल का पूरे प्रदेश पे काम बंद हड़ताल चल रही है। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो इस अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल को रोका नहीं जाएगा और अनिश्चितकाल तक चलती रहेगी।